नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। एक तरफ जहां बिहार में बाढ़ कहर बरपा रही है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी अब फूटने लगा है। ये तस्वीरें अररिया की हैं, जब अररिया से सांसद प्रदीप सिंह पहुंचे थे अपने क्षेत्र में लोगों का हालचाल जानने, जायजा लेने पहुंचे थे कि बाढ़ से आखिर कितने ज़्यादा क्षति गांव के लोगों को पहुंची है, इलाके के लोगों को पहुंची है। लेकिन लोग उग्र हो उठे, हाथ में लाठी लेकर के सांसद का घेराव करने पहुंच गए। आप देखिए तस्वीरें और ये सुनिए कि आखिर जब सांसद से बहस कर रहे थे लोग तो क्या कुछ बातें हो रही थी। बहुत खराब चलन खराब चल वो देख भैया कार जैसे मान लेता है कौन ना चले थे देख भैया चल चाल लो तो वहां देख रहे करते ही उससे कुछ है तू जब इतना सुना दौड़ ना कुछ होगा तो जब तू जब ना लाठी लागे ना ये कर्मचारी के बाप को का चोट देगा साधन छ लगा बाढ़ का स्थायी निदान हम कर रहे हैं। एक साल के बाद सब नदी के तटबंध बना रहे हैं। 800 करोड़ रुपया आन रहे दिल्ली से बात का लिए पथरी होना चाहिए अखन तो टूट के फिर हम बड़का बात बनते नदी से हटा के अभी सुनो अभी एस डी ओ कहलिए कि जहाँ नाव लगता है नाव दो नाव के घास खाना उना दिखा तो आपने देख लिया किस तरह से लोग उग्र हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है और हमसे कोई मिलने नहीं आता, हमारा हाल चाल जानने नहीं पहुंचता है। सुनिए लोगों का गुस्सा क्या क्यों फूटा और आखिर वो क्यों गुस्से में है। खाने के लिए मिलता हमारे टोला तो नौ जाए अगल बगल घूर जाए कप्पू करा देना सवादपुर देना हमारे टोल को करने वाला भी नहीं है कितना दिन से अभी तक प्रजेंट का मुखिया वो भी नहीं आया देखने के लिए। आप लोग सभी पानी से गिरे हुए हैं, घेरा हुआ कहीं निकलने का जाने का दिशा नहीं है। हम लोग रोड पर खड़े हैं पानी में क्या मिला आश्वासन मिला है अभी नहीं मिला। तो आपने देख लिया लोगों का साफ साफ तौर पर कहना है कि कोई भी आश्वासन उन्हें नहीं मिला है, किसी तरह का कोई मदद उनके पास नहीं पहुंची है। इस बीच सांसद प्रदीप कुमार सिंह जब पहुंचे अपने क्षेत्र में, अररिया से सांसद हैं, और जैसे ही वो पहुंचे तो लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। लोग हिसाब मांगने लगे कि आखिर आप थे कहाँ, आपको पहले यहाँ आना चाहिए था, हमारे घरों के अंदर से पानी बह रहा है। तो सांसद भी जवाब देते उनको नहीं बन रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले झंझारपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया। दरअसल झंझारपुर में जदयू के सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उनको बदसलूकी का सामना करना पड़ा लोगों का। तो कुल मिलाकर के जो जनप्रतिनिधि होता है जिनको चुन करके लोगों ने संसद में भेजा है, उनसे उम्मीद होती है कि वो उनकी परेशानी के वक्त में उनके पास रहें, और जब वो नहीं पहुँचते हैं तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, उग्र हो उठते हैं। झंझारपुर की बात करें या फिर हम बात करें अररिया की, दोनों ही जगहों पर एनडीए के सांसदों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। कोसी नदी लगातार कहर बरपा रही है, नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं, 4 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, सभी नदियों में करंट बहुत तेज़ हो चुका है और उसका दबाव हर तटबंध पर पड़ रहा है। तटबंधों के कमज़ोर होने की वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं, अगर तटबंध टूटे तो जो पानी है वो कई गाँव में प्रवेश कर जाएगा और लोग जान माल की क्षति के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, फिलहाल विरोध की तस्वीरें भी आने लगी हैं। आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।